आज का हमारा स्पेशल वीडियो अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर के रेलवे आखिर कब तक बंद रख सकती है अपना ट्रेन का परिचालन, इसी पर आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था और केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया कि 31 मार्च तक देश के सभी तरह के रेल सेवाएं बंद होगी। देश के इतिहास में पहला मौका है जब इस तरह का रेल यात्रा पर पाबंदी लगाई गई, जहां मुंबई लोकल के एक दिन बंद होने से रेल प्रशासन हिल जाता हो, जिस कोलकाता में मेट्रो के बंद होने का मतलब कोलकाता बंद होना मान लिया जाता है। अब वहां इतना बड़ा फैसला आखिर कब तक जारी रह सकेगा? क्या केंद्र सरकार के इस फैसले से कोरोना के फैलने की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सकती है? अब लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है, आखिर रेलवे ने रेल बंद करने को लेकर के यह बड़ा फैसला क्यों लिया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं 13 मार्च को एपी संपर्क क्रांति में जिन यात्रियों ने यात्रा की उनमें से 8 यात्री 20 मार्च को पॉजिटिव पाए गए और 16 मार्च को गोदाम एक्सप्रेस जो कि मुंबई से जबलपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों में भी कई लोग ऐसे थे। हालांकि कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है और रेलवे ने पहले ही 31 मार्च तक सभी स्टेशनों को खाली करा करके यहां पर ट्रेनों का कोई भी आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस का भी यही हाल दिखा। इसमें कई तरह का बड़ा फैसला लिया गया जो कि सेंट्रल रेलवे और स्टेट रेलवे द्वारा अपने रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का परिचालन रद्द करते हुए 31 मार्च तक पूरे देश में कर्फ्यू लगा गया, जिस कारण एक भी ट्रेन का परिचालन आने वाले दिन में नहीं देखने को मिलेगा। और गौरतलब है कि इसी तरह ट्रेन सेवाएं बंद होने से प्रतिदिन तकरीबन 160 करोड़ का नुकसान रेलवे को होगा। लेकिन कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए फिलहाल रेलवे को बंद करना सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, जिस पर आज का हमारा यह लेटेस्ट वीडियो था। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को बस सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।